मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र से आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां गौरक्षकों को एक मुस्लिम परिवार की ओर से सूचना दी गई कि उसके घर में एक हिंदू महिला को उसी के घर के सदस्य ने 8 दिन से अवैध रूप से रख रहा है, जिसके बाद गौरक्षकों ने पुलिस से संपर्क कर महिला को सकुशल बरामद कर लिया। विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष हेमंत कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी कि एक साबिर नामक मुस्लिम युवक, जो कि दिल्ली में फल की ढके लगाता है, उसने बीते 8 दिन पहले दिल्ली की ही रहने वाली एक महिला को अपने झांसे में फंसा लिया था और उसको अपने झांसे में फंसाने के बाद उसको अपने निज आवास को, जो कि थाना कोतवाली के घिया मंडी में स्थित है। जब गौरक्षकों को इसकी सूचना मिली तो हेमंत कुमार शर्मा ने 3 टीम बनाकर अपने स्तर पर इस मामले की जाँच पड़ताल के लिए भेज दिया, लेकिन मामला तब उलट निकला जब आरोपी शब्बीर की भाभी ने ही गौरक्षकों से संपर्क किया और कहा कि हमारा देवर किसी हिंदू महिला को जबरन घर में 8 दिनों से रखे हुए है, आप हमारी मदद कीजिए। जिसके बाद गौरक्षकों ने थाना कोतवाली पुलिस से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद प्रभारी निरीक्षक रवि त्यागी ने क्राइम इंस्पेक्टर चौहान को मौके पर बुलाकर गौरक्षकों के साथ भेजकर महिला को सकुशल बरामद करा लिया। रोल जी अमन जी बताएं, आज फिर एक लव्य आपका बेटा आया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये लव जिहाद का मामला आया, मगर ये लव जिहाद का नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डी गेट भरतपुर गेट चौकी पड़ती है, वहां पे घिया मंडी एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में एक साबिर नाम का एक लड़का है जो दिल्ली के अंदर में फल फ्रूट की ढकेले लगाता है। वहां पर उसके संपर्क में एक हिंदू महिला है जिसकी तकरीबन उम्र जो है क्या 45 से 48 के बीच में दर्शाती जा रही है, और शादीशुदा वो महिला है। तो वो तकरीबन 8 दिन से अपने घर जो घिया मंडी में इसका निज निवास है वहां पर 8 दिन से उस महिला को अवैध रूप से यहाँ पे लेके आया था और यहाँ पे उसके साथ रह रहा था। तो जब इसकी सूचना जब हमारी टीम के द्वारा लगी कि भाई इस तरह का एक मामला संज्ञान में आया, तो जब मामले की जब तफ्तीश की गई, जब पूरा एक टीम गठन की गई, 3 टीमों का गठन किया गया मेरे द्वारा, जिसमें पुनीत चतुर्वेदी और हमारे कई और भाई भी थे जो साथ में, तो जब इसकी पूरी जांच हमारे पास आई तो हमें पता चला कि ये मामला बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि हम खुद सुनकर दंग रह गए कि स्वयं जिस मुस्लिम पक्ष के घर में इस महिला को रखा गया था वही पक्ष हमारे पास, हमें ये सूचित किया था कि भैया हमारे यहाँ पर एक हमारा देवर है, उनकी भाभी के द्वारा हमें सूचना दी गई कि हमारा एक देवर है जो हमारे घर में एक हिंदू धर्म की महिला को अवैध रूप से लेके आ गया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर इस बात का सता रहा था कि कहीं ना कहीं शहर की फिजा खराब ना हो या कहीं ना कहीं एक जो भाईचारा दिखाया जाता है वो खराब ना हो, और स्वयं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज की डर महसूस हो रहा था कि कहीं इनकी वजह से हम परेशानी में ना आ जाए। तो जब इसकी सूचना लगी तो तुरंत ही फिर देरी ना करते हुए हमारे द्वारा कोतवाली SHO साहब रवि त्यागी जी को इसकी सूचना दी गई। सूचना देने के बाद जब उन्होंने हमारे साथ क्राइम इंस्पेक्टर चौहान जी और हमारी टीम के साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए उनकी सकुशल बरामदगी की गई है घर के अंदर में।